फ्रेंड, आई एम गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम आईएसएस सुजामरी। दिस इज माय थर्ड चैप्टर ऑफ रिवीजन। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट का जरूरत क्यों पड़ता है। एंड दिस इज थर्ड वीडियो आल्सो ऑफ रिवीजन ऑफ सिविक्स चैप्टर। सो लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द रिविजन्स ऑफ दिस चैप्टर। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट का जरूरत आखिर क्यों पड़ता है। सो पार्लियामेंट का हमें इसलिए जरूरत पड़ता है ताकि देश को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, इसलिए हमें पार्लियामेंट का जरूरत पड़ता है। सो देयर इज अ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। दिस पीडीएफ कंटेन द ऑल द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द रिविजन क्वेश्चन ऑल्सो। सो मेक श्योर दिस चैप्टर एंड दिस नोट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। Why do you think the nationalist movement supported the idea that all adults have a right to vote? आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है क्योंकि nationalist movement के अनुसार सभी adult को right है वोट करने का। The nationalist movement, इसका आंसर चलिए देखते हैं, समझते हैं। Supported the idea that all the adult have the right to vote because of the following reason. सभी को अधिकार है वोट देने का। Every responsible citizen should participate in the government. सभी जो responsible citizen है या सभी जो लोग हैं, सभी को कानून में लिखा है कि सबको वोट देने का अधिकार है, कोई भी वोट दे सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाएं। आगे इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन दिस 2004 मैप के बारे में कुछ लिखा है, आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, मैप में क्या चीज़ कहाँ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव रीड इन द चैप्टर वन डैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द इंडिया हैज थ्री टायर्स। क्या आपको पता है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है हमारा, उसमें थ्री टायर ऑफ सिस्टम होता है। तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल से लिखा है, सो आप इसे देख सकते हैं। बट हमारा जो रिवीजन क्वेश्चन होगा वो है, डिफाइन द टर्म यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, मीन्स अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग टू दिस एवरी वन ऑफ 18 ईयर एंड द एवर रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कलर क्रीड, क्रीड मतलब धर्म हो गया, रिलीजन हो गया, एंड और द सेक्स हैज अ राइट टू वोट, मतलब सभी तरह के धर्मों के लोग जो 18 साल के हो गए उससे ज़्यादा उम्र के हैं उससे वोट देने का अधिकार है। What are the EVMs? EVM क्या होता है, why are they important? EVM are electronic voting machine, जहाँ पर हम लोग वोटिंग करते हैं वो हमारा EVM है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। What is the coalition government? Coalition government is a government formed when no single party secures absolute majority. जब किसी एक पार्टी को, जब कोई भी आपका इलेक्शन होता है और जब किसी भी एक भी पार्टी को पूरी तरह से मेजोरिटी नहीं मिलता है इन द लोकसभा, इन सच सिचुएशन टू और मोर पार्टी कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। मतलब कि बहुत सारा गवर्नमेंट एक साथ जब काम करता है उसे हम कोलिटेशन कहते हैं। ये सब रिविजन में इंपॉर्टेंट है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वेश्चन, कंपेयर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लोकसभा है राज्यसभा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवीजन के लिए और इस चैप्टर के लिए भी। लोकसभा एंड राज्यसभा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लोअर हाउस एंड इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। मतलब ये आपका लोकसभा लोअर हाउस होता है और यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोग लीडर बनते हैं, वो लोगों के द्वारा बनते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अपर हाउस एंड द इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी नेता या लीडर बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है। तो जब लोगों के द्वारा बनाया जाएगा किसी को भी लीडर, तो वो लोकसभा होता है, और जब किसी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाए तो वो राज्यसभा होता है। टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर 552 टोटल रिप्रेजेंटेटिव है जो लोकसभा में रहते हैं। एंड द टू आर द नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनमें से दो जो लोग होंगे वो नॉमिनेट किया जाते हैं या लगाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाते हैं। द टोटल नंबर आर 250 आउट ऑफ विच द 338 फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द 12 नॉमिनेटेड बाय द डिफरेंट फील्ड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी ये कहा गया है, यहाँ पे भी राज्यसभा में कुछ 12 लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आते हैं और 238 लोग जो हैं वो आपका लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर के अनुसार आते हैं। ठीक है, मेक अमेंड लो एंड यूनियन लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट, रजिस्ट्री लिस्ट,
इसमें किस तरह का लिस्ट में किस किस तरह का बातों पे ध्यान दिया जाता है, किस चीज़ों पे सुधार किया जाता है, एमेंडेड होता है तो कानून बनाने पे होता है, कॉन्क्रीट लिस्ट मतलब जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर करेगा, यूनियन लिस्ट मतलब जहाँ पे यूनियन स्टडी करेगा, और जुडिशरी मतलब अवशिष्ट बचा हुआ कोई लिस्ट है, कोई और भी लिस्ट है, कुछ और भी बातों पर अगर किसी विषय पर लॉ बनाना है तो यहाँ पर डिस्कशन लिया जाता है। मतलब लोकसभा में इन बातों पर इन लिस्ट पर, ये लिस्ट का मतलब होता है बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे बातों पर यहाँ पे हम लोग को डिस्कशन होता है, कानून बनाया जाता है। इट कैन बी आल्सो इनिशिएटेड लेजिस्लेशन, यहाँ पे क्या होता है लेजिस्लेशन को इनिशिएट किया जाता है। एवरी बिल पास बाय द लोकसभा एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर, सभी बिल को जो है लोकसभा में पास किया जाता है एक्सेप्ट द फाइनेंशियल बिल हैज टू पास थ्रू द राज्यसभा टू बिकम अ लॉ। मतलब किसी तरह का फाइनेंशियल बिल होगा, किसी तरह का मनी से रिलेटेड बिल होगा, किसी तरह का फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड बात होगा तो वो बिल को पास होने के लिए राज्यसभा का भी अनुमति चाहिए। ठीक है, मतलब समझ जाइए किसी तरह का फाइनेंशियल या मनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या कोई भी बिल हो जिसको बनाना होता है पार्लियामेंट में तो वो दोनों हाउसेस से गुजर के जाना पड़ता है, उसको दोनों हाउसेस का जो लीडर है उसे पास करेगा, मेंबर उसे पास करेगा तब जाके वो लॉ बनता है। ठीक है, या बिल पास होता है। इट हैज़ द पावर ओवर द फाइनेंशियल मैटर, यहाँ पे इसका लोकसभा में पावर होता है कि फाइनेंशियल मैटर वो ले सकता है। नो सच पावर, इसमें फाइनेंशियल मैटर पे कोई भी परमिशन कोई भी मत नहीं रख सकता, कोई बातें नहीं कर सकता है। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो 5 ईयर के आते हैं, यहाँ पे जो मेंबर होते हैं 5 ईयर के आते हैं और डिसोल्व एवरी 5 ईयर, और साथ में 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के बाद डिसोल्व भी हो जाते हैं इफ रिक्वायर। परमानेंट हाउस 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में जितना भी मेंबर है आपका राज्यसभा में उसका 1/3 लोग जो है रिटायर हो जाते हैं। एंड हैज़ टेनर ऑफ 6 ईयर, और जो बचते हैं उनका जो टेनर होता है 6 साल का होता है, मतलब वो 6 साल तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मैच द फ्लोइंग है, स्टेट द ट्रू फॉल्स है, ये आपका सारा क्वेश्चन सर को क्लियर कर सकता है। अगर आपका किसी भी बच्चा का क्वेश्चन से छुटा हुआ है तो वो इसका PDF का हेल्प लेकर या वीडियो का हेल्प लेकर उसको समझ सकता है और फिर से अपना तैयारी को अच्छे से कॉपी को भी कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो PDF है ये सभी चीज़ को कंटेन करता है और ये हमारा PDF होता है ख़त्म। सो थैंक यू एंड मस्ट लर्न एंड राइट and the Raj Sabha and the Lok Sabha, the question is very important and the adult universal adult franchise and EVM, these are the some questions very important, so must learn and write all the questions sir because copy must be completed, so thank you.